प्रणाम, नमो नमः, जय जिनेन्द्र। वेलकम टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फॉरगिवनेस। खामे मी सव जीवे सव्वे जीवा खमंतु में मित्ति में सव भूयेसु वैरम मज्जन केणई। विश्व की सभी समस्याओं का समाधान क्षमापना यानी फॉरगिवनेस में है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ करने के लिए भगवान महावीर के मूल्य एवं मार्गदर्शन सदैव विश्व को प्रेरणा देते हैं। लीडर्स नोज द वे, देन लीडर्स गोज द वे, एंड देन लीडर्स सोज द वे। ऐसे ही एक विजनरी लीडर यानी जैन संत, राष्ट्र संत, युग प्रधान आचार्य सम पूज्य पन्यास प्रवर श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब राष्ट्र संस्कृति एवं धर्म के लिए गुरुदेव श्री ने जो कार्य किए वह सदैव विश्व के लिए प्रेरणादायी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब भी हमेशा से गुरुदेव के विचारों से प्रभावित रहे हैं। गुरुदेव श्री की 9वीं पुण्यतिथि पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुरुदेव के लिए संदेश भेजा। परम पूज्य आचार्य श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज की 9वीं पुण्यतिथि पर मेरा श्रद्धापूर्वक नमन। इस अवसर पर उन्हें स्मरण करते हुए ऑनलाइन माध्यम से नमामि चंद्रशेखरम कार्यक्रम के आयोजन के बारे में जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे वर्षों तक आदरणीय आचार्य श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज का सानिध्य और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जीवन में आस्था, विश्वास, चरित्र, ज्ञान और अहिंसा की भावना को बल देने वाले महापुरुषों में जैन आचार्य श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज का स्थान अग्रणी रहा है। मानवता की सेवा के लिए समर्पित आचार्य के जीवन व विचार आध्यात्मिक ऊर्जा एवं शांति के साथ आपसी प्रेम व भाईचारे पर बल देते हैं। आचार्य श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज ने जैन धर्म की जिस अमूल्य शिक्षा और दर्शन को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया, उन मूल्यों को आत्मसात कर हम जीवन में आगे बढ़े, हमारी ओर से यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आचार्य श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज के सभी अनुयायियों और कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े लोगों को मेरी शुभकामनाएं। तपोवन परिवार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभारी है आज के इस कॉन्फ्रेंस के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का क्षमापना संदेश पीएमओ ऑफिस से भेजा गया है, उसे अब हम सुनते हैं। इट इज़ हार्टनिंग टू लर्न दैट तपोवन संस्कार पीठ इंडिया हैज़ जॉइंड हैंड्स विद वेरियस जैन कम्युनिटीज इन यूएसए, यूरोप, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया टू ऑर्गेनाइज मिच्छामि दुक्कड़म एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फॉरगिवनेस। Forgiveness is one of the noblest virtues that can be inculcated in human heart. Compassion and forgiveness have always been an integral part of our spiritual wisdom and philosophy. Our ancient scriptures say, Kshama Virasya Bhushanam, that is, forgiveness is an ornament of the brave. Paryushan is the parva of Kshamavani, the celebration of large-heartedness and forgiveness is a great tradition of Indian culture that is inspiring for the entire world. The digital conference in the midst of the corona pandemic exemplifies the indomitable spirit of the gathering to strengthen the bond of the harmony and friendship. May the observance inspire all to assimilate the virtues of forgiveness and non-violence as a way of life. My best wishes to the organizers एंड पार्टिसिपेंट्स मिच्छामि दुक्कड़म। जैन समाज में भाद्र मास में पर्युषण पर्व मनाया जाता है। पर्युषण पर्व के आखिरी दिन संवत्सरी का दिन होता है। यह सचमुच में अपने आप में एक अद्भुत परंपरा है। संवत्सरी का पर्व क्षमा, अहिंसा
और मैत्री का प्रतीक है। इसे एक प्रकार से क्षमा वाणी पर्व भी कहा जाता है और इस दिन एक दूसरे को मिच्छामि दुक्कड़म कहने की परंपरा है। वैसे भी हमारे शास्त्रों में क्षमा वीरस्य भूषणम यानी क्षमा वीरों का भूषण है, क्षमा करने वाला वीर होता है, ये चर्चा तो हम सुनते ही आए हैं। मैं विश्व भर के जैन समुदाय एवं तपोवन परिवार की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ।